हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम देखिए, ये हमारा पुराना लोअर है, इसका रीयूज करके एक सुंदर सा नाइट सूट बनाएंगे। देखिए, ये हमारा कॉटन का लोअर है, इसमें से हम नाइट सूट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी साइड की सिलाई है उस सबको हम यहाँ से पहले खोल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने अपना उधेड़ कर दोनों पीसेस को अलग कर लिया है और इनके ऊपर प्रेस कर ली है, और इसको हमने देखिए उल्टा फोल्ड किया हुआ है यहाँ पर और एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। ये हमारा नीचे वाला हिस्सा था, बॉटम वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पजामे की लेंथ होगी, देखिए हमें अपने नाइट सूट का जो पजामा बनाना है, सबसे पहले उसको कट करेंगे। लेंथ हमें रखनी है 25 इंच, हम 24 इंच रेडी रखेंगे तो हम 26 इंच लेंगे, 1.5 इंच हमारा ऊपर की, तो देखिए 26 यहाँ से लेंगे हम। यहाँ से 1 इंच लेंगे इलास्टिक के लिए। देखिए 1 इंच हमारा ऊपर फोल्ड होगा और 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा। 24 इंच हमें रेडी रखना है ना। अब इसके बाद यहाँ से सारे साइन को भी सीधा कर लेंगे। यहाँ से आसन लेंगे हम 9.5 इंच का। देखिए हमने 9.5 इंच आसन लिया है, यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और 10 इंच हमने ऊपर से लिया है। यहाँ से हल्के छह से शेप देते हुए, जितनी भी आपके नीचे से मोरी रखनी है मोरी रखेंगे अपनी 7 इंच की। शेप मिला देंगे, नहीं तो आपके पास ये स्केल होगी तो आप इस स्केल से भी मिला सकते हैं। आप चाहे तो फ्रेंड यहाँ पर म्यानी छोटे बच्चों की है, हम यहाँ पर म्यानी लगा देंगे, क्योंकि छोटे बच्चों की म्यानी लगाना जरूरी हो जाता है। ये देखिए जो हमारा यहाँ से कटिंग वाला हिस्सा है, इसकी हम म्यानी बना लेंगे बच्चों की। ये म्यानी हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। देखिए जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसमें से अपने जो ऊपर का टॉपर बनाएंगे। देखिए अब हम यहाँ से ऊपर वाला टॉप है, जो हमारी चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ से 16 इंच शर्ट बनाएंगे हम इसमें से। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से
ये हमारा बैक पार्ट होगा। यहाँ पर हम अपनी शर्ट बना ली है और जो फ्रंट पार्ट है इसको हम ओपन साइड से रखेंगे। देखिए इधर हमारा जॉइंट साइड रहेगा, इधर हमें नेक कट करना है। हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंच। नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, लंबाई लेंगे फ्रंट की हम 3 इंच और बैक की हम लेंगे 1.5 इंच की। 1 इंच काफी क्योंकि हम यहाँ पर कॉलर नहीं लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर हम पट्टी अटैच करेंगे आगे बटन के लिए, इसमें हम अपनी पट्टी कट करेंगे। डेढ़ डेढ़ इंच की 2 पट्टी हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए हमने 2 पट्टी कट कर लिए, वो हम यहाँ पर जितनी भी हमारी लेंथ होगी इसके बाद हम कट कर देंगे इसको। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले हमारा जो पजामा है उसको सिल लेते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे मैनी कट करी है, देखिए जो मैनी काटी है उसको लगाएंगे। एक साइड हम इधर लगा लेंगे इसको और एक साइड हम इधर लगाएंगे। मैनी को कैसे लगाना है, जो हमारा चौड़े वाला हिस्सा है हम उसको नीचे रखेंगे और इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर एक डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड हम यहाँ पर दूसरे वाले भी मैनी को अटैच कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपनी दोनों साइड में लगा लिए। अब इसके बाद जो हमारा दूसरे वाला पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम दोनों साइड से इसको सील लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने अपने दोनों साइड से इसको आसन को सील लिया है। अब इसके बाद जो हमारा बॉटम वाला हिस्सा है यहाँ से हम बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो फिर यहाँ पर कोई भी लेस कुछ भी अटैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम, या आप चाहे यहाँ पर छोटी छोटी फ्रिल भी लगा सकते हैं गर्ल्स के लिए। तो हमने दोनों साइड से नीचे फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद जहां हमें ऊपर इलास्टिक डालनी है बाद में डालेंगे, पहले हम नीचे से ये साइड की सिलाई यहां से लगा लेंगे। देखिए हमने नीचे से अपना सील लिया है। अब हम जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर हम बारीक बारीक फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें इलास्टिक डालनी है। फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पर
चौड़ी इलास्टिक डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर कपड़ा कम था तो हम यहाँ पर बारीक इलास्टिक डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मोड़ते भी जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने इलास्टिक ली है। ये इलास्टिक मैंने 24 इंच लंबी ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ये देखिए 24 इंच ली है। हम किसी भी सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर डालेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने अपनी इलास्टिक डाल ली इसमें। ये हमारा पजामा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, अब इसके बाद हम अपनी शर्ट की स्टिचिंग। शर्ट के लिए देखिए, सबसे पहले हम अपने फ्रंट में यहाँ पर अपनी पट्टियों को अटैच कर लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी दूसरी वाले हिस्से में भी अपनी पट्टी को अटैच कर लेंगे। देखिए, हमने अपनी पट्टियों को अटैच कर लिया है दोनों साइड से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। हमने अपनी पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है, रखकर इन सब दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ से इन दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए, हमने एक पूरे पट्टी ली है अपने नेक पर। यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे हम। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। देखिए, हमने इसको एक साइड से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको पहले एक बार अंदर फोल्ड करके, आप चाहे तो बारीक बाहर वाली भी बना सकते हैं, बाहर की साइड पलट के। मोटी पतली आपको जिस तरह की भी पाइपिंग चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
ये देखिए हमने अपनी पाइपिंग अटैच कर ली है। अब इसके बाद देखिए जो हमारे आस्तीन वाला हिस्सा है, आर्म वाला हिस्सा, यहाँ पर भी हम अपनी पाइपिंग को अटैच करेंगे। इस तरह से हम अपनी नेक पे लगाया है, इसी तरह से यहाँ पर भी पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने अपने आस्तीन के साइड में भी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी साइड की फिटिंग लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी फ्रिल अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए हमें अपने नीचे की साइड में एक फ्रिल अटैच करनी है। उसके लिए देखिए ये मैंने अपनी पट्टी कट की हुई है, ये मैंने 3 इंच की पट्टी ली है। इसमें मैंने छोटे छोटे जॉइंट लगाए हैं और यहाँ पर हम धागा खींचकर सबसे पहले हम नीचे की साइड से बारीक बारीक इसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ नीचे की साइड, और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इसको बारीक यहाँ से नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम धागा खींचकर चुन्नट लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम मोटी सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड ये ध्यान रखें, हमें ये वाली सिलाई हमारे बीच में टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से चुन्नट भरेंगे। देखिए हमने अपने धागा खींचकर चुन्नट भर लिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम बारीक बारीक ऐसे फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम इसको अटैच करते हुए जाएंगे जो हमारा फ्रंट साइड है। ये देखिए इसको बीच बीच में हम अपने प्लेट को खोलते रहेंगे ताकि फोल्ड ना हो जाए। अटैच कर लिया है ये देखिए, और यहाँ पर हमने एक ऊपर सिलाई भी अटैच लगाई है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये नाइट सूट बनकर रेडी हो गया है। आप भी फ्रेंड कोई भी पुराने पजामे में से इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।